सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन सख्त हो गया है और सख्ती से कार्यवाही करने में जुट गया है। हमीरपुर बाजार के बीचों बीच बाल स्कूल के सामने शिक्षा विभाग की जमीन पर दशकों से किए गए अतिक्रमण मामले पर एसडीएम अरिंदम चौधरी, ईओ विनोद कुमार ने पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अतिक्रमण को हटाने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम दिया। जमीन पर किए गए अतिक्रमण को नहीं हटाए जाने की सूरत में पीला पंजा चलाकर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हमीरपुर के बाल स्कूल परिसर के सामने कई सालों से शिक्षा विभाग की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते अब प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए कब्जे को छुड़वाने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही प्रशासन ने साफ किया है कि अगर दो दिन के भीतर कब्जा जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पीला पंजा चलाया जाएगा। उपायुक्त हमीरपुर राकेश प्रजापति ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले पर एसडीएम ने मौका देखा और दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर दो दिन के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसमें एसडीएम साहब मौके पे गए हुए थे और जो एनक्रोचमेंट जिन्होंने की है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन, उन्होंने खुद ही बोला है कि हम दो दिन के अंदर खुद अपने हिसाब से इसको हटा देंगे। अगर दो दिन के भीतर ये नहीं हटाया जाता है तो उनको हमने नोटिस पे रखा हुआ है और दो दिन के बाद उस पर पीला पंजा चल जाएगा।